टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान तो बीसीसीआई ने दिखाई हरी झंडी। 2005 और 2006 में टीम इंडिया पाकिस्तान में गई थी, उसके बाद टीम इंडिया कभी पाकिस्तान में नहीं गई है। इस बार बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि भारत की टीम पाकिस्तान में चली जाएगी। 2023 में पाकिस्तान में एशिया कप होना है, उससे पहले बीसीसीआई ने निर्णय किया कि भारत की टीम भी पाकिस्तान में चली जाएगी। 2005 के बाद टीम इंडिया अब पाकिस्तान में पैर रखने वाला है। लंबे दिनों के बाद 17 सालों के बाद अब टीम इंडिया जाने वाले एशिया कप खेलने के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने तो मन किया है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए भेज देंगे, लेकिन अब बीसीसीआई को इंतज़ार करना होगा भारत सरकार का। भारत सरकार टीम इंडिया को पाकिस्तान के लिए भेजने के लिए इजाज़त देता है या नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में बहुत तनाव रहता है, इसलिए बीसीसीआई को इजाज़त लेनी होगी भारत सरकार की। क्या भारत सरकार हरी झंडी दिखाएगा? भारत सरकार ने हरी झंडी दिखाएंगी तो ही पाकिस्तान में टीम इंडिया खेलने के लिए चली जाएंगी। इतना ही नहीं, 2025 को चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत पाकिस्तान में ही है, अब क्या होगा इसको भी भारत सरकार हरी झंडी दिखाएगा या नहीं। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का इवेंट होता है, वो इवेंट 2025 में आईसीसी ने पाकिस्तान में रखा है। पाकिस्तान की टीम इंडिया आ सकती है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन इस बार भारत सरकार क्या करेगा सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान में बीच तनाव रहता है और पाकिस्तान में सुरक्षा नहीं रहती, इसलिए भारत सरकार क्या करेगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। बीसीसीआई का खेलने के लिए पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी के खिलाफ संबंध कभी ख़राब नहीं करता। अब नज़रें होगी भारत सरकार के ऊपर, क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान को टीम इंडिया को भेजना है या नहीं भेजना है भारत सरकार के हाथ में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की टीम पाकिस्तान में जाएंगी या नहीं जाएंगी, आप हमें कमेंट करना और क्रिकेट टुडे को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इधर हर खबर सबसे पहले मिलती है।